वेलकम टू अ वेरी स्पेशल शो ऑफ जय हिंद। आज के शो में हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे, विच विल चेंज योर लाइफ एंड चेंज द यूनिवर्स। ओके, सबसे पहले व्हाई हरमन बवेजा शुड गेट हिट बाय अ ट्रक, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ केजरीवाल, एंड फाइनली व्हाई सनी लियोनी इज मॉलेस्टिंग द इंडियन मैन्स कॉन्शियंस। अलास बट नॉट द लीस्ट, दिस सनी लियोनी की मॉडेस्टी है, ये देखिए, कितनी मॉडेस्ट है ना हमारी सनी, अपने इज्जत को अपने हाथों से बचा रही है। एनीवे, जय हिंद और जय सनी माता। हाल ही में शरद पवार ने कहा है कि सबको दो दो बार वोट करना चाहिए। आप समझे नहीं ना, मैं थोड़ा ऑडिबल बोलता हूं कि सबको दो दो बार वोट करना चाहिए और हाथ में से इंक मिटा देना चाहिए। वाओ, फाइनली शरद पवार ने अपना अपनी पोल स्ट्रैटेजी सबको बता दी। आज तक इसकी वजह से वो जीतते थे, आई गेस। व्हाट अ टू टाइमर यू आर सर। इंक से याद आया, कल ही मैं दुकान पे इंक खरीदने गया था, तो दुकानदार ने सबसे पहले तो मेरा आधार कार्ड मांगा, फिर पैन कार्ड, यहां तक कि पुलिस वेरिफिकेशन कि प्लीज स्टॉप वेस्टिंग इंक ऑन पॉलिटिशियंस फेस। गाइज, फेंकना ही है तो योयो हनी सिंह के एल्बम्स वगैरह फेंको यार, कमाल करो। एनीवे, उस दुकानदार ने कहा कि AK-47 चाहिए तो मिल जाएगा, आदमी औरत 14 बॉल्स वाला इंसान भी मिल जाएगा, मगर इंक बॉटल थोड़ा मुश्किल है। इस देश में क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है। फाइनली BCCI चीफ एन श्रीनिवासन ने अपनी मर्जी से अपना पोस्ट जो है वो त्याग दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को लिटरली भीख मांगनी पड़ी श्रीनिवासन जी से कि प्लीज 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 यार, प्लीज कुछ तो इज्जत रखो यार सुप्रीम कोर्ट। तो इस पर श्रीनिवासन जी ने कहा, आई एम नॉट ललित मोदी और सुब्रत रॉय, हाँ इनके जैसा डेयरिंग तो सलमान खान के पास भी नहीं है। हाँ तो मैं ही करप्ट हूँ, मैं इन्हें मैच फिक्स किया, आई एम अ तमिल ब्राह्मण, यू सी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इवन आई एम सुमित राघवन बट आई कैन डू एनीथिंग यार। हाल ही में एक कैनेडियन कंपनी ने एक ऐसा फोक बनाया है जिससे कॉफी, बनाना, मिंट ऐसे माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स एमिट होंगे खाने के बाद, सो दैट यू कैन रिलिश योर फूड इवन मोर। आई हैव अ फीलिंग दैट दिस विल रेवोल्यूशनाइज ओरल सेक्स। वेल, हाल ही में लीजा हेडन ने नरगिस फाखरी को रिप्लेस किया एक मूवी में, एंड गेस व्हाट, नोबडी न्यू द डिफरेंस। नरगिस फाखरी और उदय चोपड़ा ने कहा है कि दे आर ऑन द सेम वेवलेंथ। वेल नरगिस, दैट्स अ सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सेइंग यू गाइस आर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, और इन योर केस अ फ्रेंड विद एब्सोल्युटली नो बेनिफिट। दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड ईयर, यू नो व्हाई, बिकॉज जैकी भगनानी और हरमन बावेजा दोनों की फिल्में एक ही दिन पर रिलीज हो रही है। तो मुझे साइनाइड टैबलेट दे दो यार, आई कांट हैंडल दिस। दैट्स लाइक केजरी, मोदी और राहुल, मतलब तीनों एक साथ PM बन जाए तो। बहुत दिनों के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ कहा है, नहीं? He said, मोदी इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्ट मंत्रा ऑफ BJP। इफ अडवाणी, जसवंत एंड लालजी टंडन कैनॉट ट्रस्ट हिम, हाउ कैन द नेशन। और जैसे उन्होंने ये कह दिया, हिज लेटेस्ट पॉर्न मूवी गॉट डाउनलोडेड, यू नो, सो ही वेंट बैक टू फिजिकल मास्टरबेशन। अभिषेक मनु जी, केयरफुल, आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। इस ओवर में यू शुड बी हैंड्स फ्री आइडियली। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको और मजेदार चुतियाबे सुनाएंगे। मोदी ने कहा कि हमें मिलकर देश को बदलना होगा। देखा जाए तो मोदी और केजरीवाल दोनों बदलाव के पक्षधर हैं। एक को इतिहास बदलना पसंद है, दूसरे को रास्ता। अन्ना जी ने कहा कि हमें जनता की सेवा करनी है, पर अन्ना जी कम भीड़ वाली जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाली जनता की सेवा करना चाहते हैं। अगर मंच के नीचे कम भीड़ हो तो वो वहां से उठकर चले जाते हैं। शुरू हो चुका है पोल, तो बकवास प्रसाद
अपनी पोती को। 7 अप्रैल से लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है, 7 अप्रैल से चुनाव होंगे। अब मेरा कांग्रेस के लोगों से यह कहना है कि अब बिल बनाने का समय खत्म और बिल से निकलने का समय शुरू। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र देश की जनता के सामने रखा। कांग्रेस का घोषणा पत्र आना ठीक वैसी है जैसे इंडिया और पाक मैच के बीच में जिम्बाब्वे के खिलाड़ी का संन्यास लेने की खबर आ जाए। कमाल आज खान ने मुंबई में समाजवादी पार्टी की तरफ से पर्चा भर दिया है और पर्चे में सेक्स वाली जगह पर पीछे से लिखा हुआ है। कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी को एक कार्यालय कांग्रेस दफ्तर में खोलना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि वाराणसी वाले अपना सब कुछ मुझ पर न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। हाँ, पहले झंडे दिखाए, फिर अंडे फेंके, फिर स्याही। हाँ, सब कुछ न्योछावर करने के लिए वाराणसी वाले तैयार हैं। सिसोदिया ने कहा कि मोदी जी आप इंक फैलाओ, हम इंकलाब फैलाएंगे। सिसोदिया जी, आप जो कुछ फैला रहे हैं उसे इंकलाब नहीं रायता फैलाना कहते हैं। मोदी ने कहा कि मनमोहन की नाकामियों की वजह से कांग्रेस हारेगी। मनमोहन सिंह अपनी पार्टी की हार को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने 15 अगस्त का बोलने वाला कोटा भी चुनाव से पहले ही पूरा कर दिया। उत्तर भारत के यादव लोगों को खाने का बहुत शौक है। बिहार का यादव चारा खा गया, यूपी का यादव भाईचारा खा गया। आप पार्टी का कहना है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किस देश के। मोदी ने कहा कि हमें मिलकर देश को बदलना होगा। देखा जाए तो मोदी और केजरीवाल दोनों बदलाव के पक्षधर हैं। एक को इतिहास बदलना पसंद है, दूसरे को रास्ता। अन्ना जी ने कहा कि हमें जनता की सेवा करनी है, पर अन्ना जी कम भीड़ वाली जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाली जनता की सेवा करना चाहते हैं। अगर मंच के नीचे कम भीड़ हो तो वो वहां से उठकर चले जाते हैं। रामविलास पासवान ने कहा है कि हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी। लगता है कि रामविलास पासवान ने अपने बेटे मतलब कि चिराग को घिसकर अगले चुनाव में जिन निकालने की तैयारी पूरी कर ली। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस दे रही है भ्रष्टाचारियों को टिकट। हाँ, तो कांग्रेस ने तो पहले ही कहा था कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, मतलब सबको टिकट देंगे। ने समाजवादी पार्टी को अपना लोकसभा टिकट लौटा दिया। हाँ हाँ, वो टिकट इसलिए लौटा दिया होगा क्योंकि आजम खान की भैंसे वहां पहले से मौजूद थी। अमर सिंह ने अजीत की पार्टी ज्वाइन की। अमर सिंह जी ने अपने जीवन में जितने कपड़े नहीं बदले उससे ज्यादा तो वो पार्टियां बदल चुके हैं। लालू ने कहा कि हमारे सिवा अब जनता के पास कोई चारा नहीं है। ये बात तो सच है कि अब लालू जी के अलावा इस बार और किसी पार्टी के पास चारा नहीं है क्योंकि सारा चारा तो लालू जी के पास ही है। अडवाणी जी ने कहा कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। अब कांग्रेस इंडियन बॉलर्स को अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू कर दे क्योंकि उनको पता है कि इंडियन बॉलर्स 100 या 300 का आंकड़ा भी बड़ी आसानी से छू सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी मेरे सामने आना क्यों नहीं चाहते। क्योंकि मोदी को यह पता है कि कुछ बीमारियां मिलने और छूने से फैलती है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी और फिर ये बोलने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से बोले, अरे भाइयों 4 दिन की जिंदगी हंस खेल के गुजारो, इतना सीरियस क्यों हो गए। केजरीवाल ने कहा कि कभी कभी फैसले लेने में दिक्कत होती है। जैसे केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो रही है कि चुनाव वो सी से लड़े या काशी से। वैसे अगर केजरीवाल बनारस से लड़े तो अपना मफलर दिल्ली छोड़कर ही जाए क्योंकि बनारस में गमछा चलता है मफलर। उनके कार्यकाल में एक भी किसान ने अपनी जान नहीं दी। ये बात बिल्कुल सही है कि केजरीवाल के 49 दिन के कार्यकाल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। वो बात और है कि दिल्ली में खेत नहीं है और किसान भी नहीं है। लाल कृष्ण अडवाणी मान गए हैं। माँ बाप ने सही नाम रखा है, लाल कृष्ण अडवाणी, जो अपने नाम के स्वरूप हमेशा लाल ही रहते हैं। रैलियों में केजरीवाल को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। अगर केजरीवाल अपने झंडे को काला कर लें तो उन्हें अगली रैलियों में ज्यादा समर्थक मिल सकते हैं। मनीष तिवारी ने कहा इस वक्त सिर्फ राहुल गांधी की हवा चल रही है। जगदम्बिका के बाद सतपाल महाराज भी बीजेपी में शामिल हो गए। देश में राहुल गांधी की हवा इतनी तेज बह रही है कि लोग उड़ उड़कर दूसरी पार्टियों में जाकर गिर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी से देश को बहुत फायदा हुआ है। ये बात तो सच है कि देश में काले कपड़े बेचने वाले और अंडे बेचने वालों का बहुत फायदा हुआ क्योंकि इनकी पार्टी पर सबसे ज्यादा लोग फेंकने के लिए आजकल काले कपड़े और अंडे खरीद रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6ठी सूची भी जारी कर दी है। ये लोग लगता है कि भारत के बाहर भी चुनाव लड़ने वाले हैं। केजरीवाल जी का कहना है कि मोदी देश की जनता को धोखा दे सकते हैं। और किस तरह दे सकते हैं, इसका उदाहरण केजरीवाल साहब ने पिछले दिनों दिल्ली में बहुत खूब दिखाया था। केजरीवाल जी का कहना है कि देश में गुस्से की लहर है और ये गुस्सा उनके खिलाफ हो चुकी जनता का है। बस मैं अभी वोट देकर आया हूँ, मोदी जरूर जीतेगा, अब जाने दो। आ जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। रागिनी MMS 2
सनी लियोनी की नई मूवी रिलीज हो गई. अनफॉर्चुनेटली इस पिक्चर को देखने मेरी तरह बहुत से लोग नहीं गए. क्यों? क्योंकि हमें टिकट्स के पैसे देने पड़ेंगे. गूगल क्रोम के इनकॉग्निटो मोड की कसम, मैंने आज तक सनी लियोनी के लिए कभी पैसे नहीं दिए और ना कभी दूंगा. न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिसेंटली कवर स्टोरी पब्लिश की ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान के कनेक्शंस पर जब ये इशू पाकिस्तान में प्रिंट हुआ तो पूरा आर्टिकल ही गायब था. आर्टिकल की जगह था बड़ा एम्प्टी ब्लैंक स्पेस. देखिए, स्पेस में आपके बच्चे ड्राइंग कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं, सब्जी की लिस्ट बना सकते हैं, मतलब जो आपकी लिस्ट. सो थॉटफुल ना पाकिस्तानी मीडिया. ये टेररिस्ट कनेक्शन एक्सेट्रा बात को छोड़ो ना, क्या करोगे जान के. ऑफकोर्स इंडियन पेपर्स तो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि इतने एडवर्टाइजमेंट्स के बाद न्यूज प्रिंट करने के लिए जगह भी तो बचनी चाहिए ना. मलेशियन एयरलाइंस की मिसिंग फ्लाइट अब तक नहीं मिली. ये फ्लाइट तो इस तरह गायब होगी जैसे प्लेन कोलगेट स्कैम की फाइल्स हो. रागिनी MMS 2 सनी लियोनी की नई मूवी रिलीज हो गई. अनफॉर्चुनेटली इस पिक्चर को देखने मेरी तरह बहुत से लोग नहीं गए. क्यों? क्योंकि हमें टिकट्स के पैसे देने पड़ेंगे. गूगल क्रोम के इनकॉग्निटो मोड की कसम, मैंने आज तक सनी लियोनी के लिए कभी पैसे नहीं दिए और ना कभी दूंगा. सत्यमेव जयते के सेकंड सीजन के बाद आमिर खान ने अनाउंस किया है कि वो इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड शुरू करेंगे. इस अवार्ड के पहले रेसिपिएंट होंगे खुद आमिर खान. हाँ, SJ की शूटिंग में उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि देश के बारे में उनसे ज्यादा चिंता किसी को नहीं है. उनसे ज्यादा कंसर्न एक्सप्रेशन वाली फेक फोटोज किसी ने नहीं ली है. हाँ, उनसे ज्यादा फेक टीयर्स टीवी पर सिर्फ सीरियल्स की बहुओं ने बहाए हैं. ऑफकोर्स मैं मजाक कर रहा हूँ. आमिर तो अवार्ड शोज पे जाते नहीं है. अगर खुद कोई अवार्ड देंगे तो शो में प्रेजेंटर और विनर दोनों ही नहीं होंगे. जनरल इलेक्शंस के पॉलिटिकल रैलीज में लोगों को पार्टी मर्चेंडाइज भी मिल रही है. BJP सपोर्टर्स के लिए हमारे पास है मोदी मास्क टू अनलीश योर इनर पॉलिटिशियन इन द ऑफिस एंड योर 56-inch सीना इन द बेडरूम. और हमारे पास है नमो चाय, हाँ, अच्छे दिन की डेवलपमेंट भरी फ्री शुरुआत के लिए. आप सपोर्टर्स के लिए ऑप्शंस हैं आम आदमी टोपी. मॉनसून फ्लड्स में आप इसे नाव की तरह भी यूज कर सकते हैं. और आपका झाड़ू दरवाजे से इरिटेटिंग आम आदमी पार्टी वर्कर्स को भगाने के लिए. वक्त अरविंद केजरीवाल का मफलर अनफॉर्चुनेटली कॉपीराइटेड है. उसे कोई और यूज नहीं कर. और कांग्रेस की तरफ से हम लाए हैं एम्पावरमेंट कैप्सूल्स फॉर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन इलेक्शंस. श्री राम सेना के लीडर प्रमोद मुतालिक को दी गई टिकट BJP को कुछ ही घंटों में कैंसिल करनी पड़ी जब यह खबर फेसबुक और ट्विटर पर पहुंची. सोशल मीडिया बैकलैश के दबाव में BJP ने मुतालिक को ऐसे ड्रॉप किया जैसे पाकिस्तान के फील्डर्स कैच ड्रॉप करते हैं. प्रमोद मुतालिक काम प्रमोद मुतालिक ये प्रमोद मुतालिक ये कहां से आया, मैंने तो देखा ही नहीं. श्री राम सेना को हर टाइप की पार्टी से प्रॉब्लम है एक्सेप्ट BJP. हाँ, इस पार्टी की भी टिकट कैंसिल होने के बाद प्रमोद मुतालिक को अकेले घर जाना पड़ा. चलो घर पे उनके पास हजारों पिंक चड्डियां तो है. हाँ, फॉर कंपनी. BJP में क्लियरली मुतालिक जैसे करप्ट लोगों के लिए जगह बिल्कुल नहीं है क्योंकि कर्नाटक का कोटा उन्होंने ऑलरेडी येडियुरप्पा से फिल कर दिया. हाँ तो भाइयों कहीं मत जाइएगा. ब्रेक के बाद सविता भाभी बजा. हाय सुमित, मैं कैसी हो सकती हूँ? As usual, bold, beautiful, hot and sexy. तुम ना मुझसे ऐसे बोरिंग सवाल मत पूछा करो. I'm sorry. You're right, Savita. I'm losing my touch. Oh, Sumit, please come to the point. रुपया जो है वो गिरता ही जा रहा है. बिल्कुल हमारे पॉलिटिशियंस के IQ की तरह. तो इस गहन समस्या पर विचार करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है वर्ल्ड बैंक, IMF
और हार्वर्ड के लीडिंग इकोनॉमिस्ट को. आर यू नट्स? अभी हमारा स्टैंडर्ड इतना भी नहीं गिरा है. अरे हमारी तो एक ही एक्सपर्ट एडवाइजर रही है, हाँ, कल भी और आज भी, हाँ, वही है सविता भाभी. सविता भाभी के सेक्सी सॉल्यूशन. हाय सविता, कैसी हो? हाय सुमित, मैं कैसी हो सकती हूँ? As usual, bold, beautiful, hot and sexy. तुम ना मुझसे ऐसे boring सवाल मत पूछा करो. I'm sorry. You're right, Savita. I'm losing my touch. Oh, Sumit, please come to the point. यहाँ पे ही Savita, इस वक्त? Oh, Sumit, come on. And बताओ कि आज तुम्हें किस चीज पे मेरा expert opinion चाहिए? किस? Okay. Savita. तुम्हें तो मालूम ही होगा कि रुपी जो है वो गिरता जा रहा है. हाँ, इंडिया को ये क्राइसिस कैसे फाइट करनी चाहिए बताओ. वेरी गुड क्वेश्चन सुमित. देखो, मेरा पल्लू भी कई बार नीचे गिरता है, लेकिन मैं वक्त रहते इसे संभाल लेती हूँ, राइट? ये अच्छी बात नहीं है. क्या? कुछ नहीं, कैरी ऑन. देश के पॉलिटिशियंस में भी काश यही सेंस ऑफ टाइमिंग होता कि किसी भी चीज को कितना गिरने देना चाहिए, तो बात ही कुछ और होती. अरे सविता, वो लोग अपना गिरता हुआ चरित्र नहीं संभाल पाते यार. तुम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो नेताजी से? आई नो, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है. सो पे अटेंशन. अरे मैं क्या पूरा देश अटेंशन पे कर रहा है? हमें हमारी करेंसी चेंज कर देनी चाहिए. रुपए को सीन से ही हटा देना चाहिए. मतलब रुपए का नाम बदल कर अगर लबर धो रख दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नो सुमित, नो, नॉट एट ऑल. हमारी नई करेंसी होगी सीबीआई रिपोर्ट्स के पेजेस. यस, आई एम सीरियस. देखो, हर दिन हमारी कंट्री में एक घोटाले या स्कैम पर लगभग 100 करोड़ का इनकम है. लाइक यस, एवरी डे 100 करोड़. उस हिसाब से 6-7 महीने में कुछ लाख करोड़ तो बन ही जाते हैं. अमेजिंग ना? लेकिन फिर तुम्हारे जैसे कुछ छोटी सोच के लोग हल्ला कर करके उसे पब्लिक इश्यू बना देते हैं और फिर सीबीआई को मजबूरन इंक्वायरी बिठानी पड़ती है. तो मैंने सोचा क्यों ना हम इन अरबों खरबों का स्कैम का फायदा उठाएं. सीबीआई की हजारों पेजेस की रिपोर्ट कुछ तो काम आएगी. फिर जितने ज्यादा स्कैम्स उतनी ज्यादा रिपोर्ट्स और उतने ही पेजेस. सरकार को उनको छापने में भी आसानी रहेगी. फिर कोई इन रिपोर्ट्स के पेजेस को गायब करने की भी नहीं सोचेगा और फिर हम वर्ल्ड मार्केट में नंबर 1 हो जाएंगे. अरे फिर किस डॉलर पाउंड या यूरो की हिम्मत होगी कि वैल्यू में हमसे ऊंचा उठे? बोलो. तब लगभग $60 होगा इक्वल टू 1 CBI स्कैम रिपोर्ट पेज. हाँ, और फिर माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह डांट सकेंगे, बंटी तूने फिर स्कूल बंक किया आज, आज से तेरी पॉकेट मनी में CWG स्कैम रिपोर्ट के 2 पेजेस कम. बंटी बोला, मेरे सारे रिच फ्रेंड्स को मंथली 5 पेजेस ऑफ CWG एंड 5 पेजेस ऑफ 2G स्कैम मिलते हैं, पापा प्लीज. और IIM से निकले हुए ग्रेजुएट्स कुछ ऐसे बात करेंगे, अरे तुझे पता है हाईएस्ट पैकेज कितना गया इस बार कैंपस से? बड़े 500 पेजेस ऑफ फ्रॉड स्कैम रिपोर्ट. फिर आम आदमी कोयला माइनिंग टाइप स्कैम के एक पेज से ही महीने भर का खाना पेट भर कर खा सकेगा. और डिफेंस डील स्कैम के सिर्फ 3 पेजेस से साल भर का पेट्रोल, LPG, केरोसिन, डीजल वगैरह सब आ जाएंगे मिडिल क्लास इंडिया के लिए. हाँ, और फिर हर महीने एक नया स्कैम तो होता ही है. पेजेस की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगी और कभी भी गिरेगी नहीं. And we will be super power. सविता, अगर मेरे बस में होता ना, मेरे हाथ में अगर इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज होता ना, इस वक्त मैं तुम्हें दे देता. Oh, come on, Sumit. मैं perfectionist हूँ. And I don't believe in awards. कभी किसी और फंक्शन में मुझे देखा है?
वाह सविता, यू आर अ रॉक स्टार. इकोनॉमिक क्राइसिस का इतना बेजोड़ सोल्यूशन देकर भी तुम कितनी हम्बल, कितनी मॉडेस्ट हो. बस अब दो और मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरा मतलब है देश के. क्या अर्णब गोस्वामी को चुप कैसे कराएं? अगली बार सुनें, इस बार नहीं. मुझे अपनी अपील का वैल्यू संभाल कर रखना है. सारे सॉल्यूशंस एक ही दिन में थोड़ी ना बताऊंगी. अच्छा चलो टाटा. तो ये थी हमारी माइंड ब्लोइंग सविता भाभी विथ अ माइंड ब्लोइंग सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक क्राइसिस. हम अपनी शो की तरफ से उनके सजेशंस की ट्रांसक्रिप्ट बनाकर कॉपीराइट करके पार्लियामेंट में सबमिट करने जा रहे हैं वेरी सून. जस्ट वेट कर रहे हैं कि एक दो तगड़े स्कैम्स और हो जाए तो बाद में और दम आ जाएगा और सीबीआई भी थोड़ा यूजफुल फील करेगी. जय हिंद. मजा दे. हाँ तो ठेकेदार साहब, यहाँ जनता एक गोभी के लिए तरस रही है, पर सुना है आपके घर से एक टोकरी भर के गोभियां बरामद हुई हैं. देखिए ये एक गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है. ये जो गोभियां हैं ये हमारी खानदानी गोभियां हैं, इसलिए हमारे पास इसकी कोई रिसिप्ट नहीं है. हाथ पीछे रख.